हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल AFLM में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बाय प्रोफेशन आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी एज वेल एज साइबर लॉयर। आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, वो बेसिकली कुछ बच्चे मेरे से डाउट पूछ रहे थे कि सर, जॉब बेटर रहेगी या प्रैक्टिस बेटर रहेगी, किस फील्ड में जाना चाहिए, दोनों में से क्या बेटर है, हमें आगे जाके अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए या आगे जाके जॉब में जाना चाहिए। तो सर, मैं आप जरा इसके ऊपर आज बात करूंगा थोड़ा सा डिटेल के अंदर। हो सकता है 10-12 मिनट की वीडियो बन जाए, हो सकता है उससे ज़्यादा की भी बन जाए, मगर बात अच्छे से करूँगा क्योंकि इसके ऊपर आपका पूरा करियर डिपेंड है। अच्छा, CS में बच्चा आता है तो CS में बच्चे को आने के बाद ये नहीं पता होता कि वो आगे जाके करेगा क्या। कितने बच्चे ऐसे हैं एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि अभी तक हम CS बन के करेंगे क्या। अच्छा, टीचर सिखाए थे हम लीगल एडवाइज़र बनोगे, तो लीगल एडवाइज़र में उसके दिमाग में एक रहता है क्योंकि उसका कंपनी लॉ पर ज़्यादा फोकस होता था कि वो कंपनी लॉ का शायद लीगल एडवाइज़र बनेगा। जरा उसके ऊपर बात करेंगे। कितने बच्चे फाइनल क्वालिफाई होने के बाद, जिन लोगों ने इंटर्नशिप नहीं करी होती, फाइनल क्वालिफाई होने के बाद, क्योंकि CS इंस्टीट्यूट का पैटर्न जो मैं थोड़ा सा पसंद नहीं करता, मेरा मानना है कि एग्जीक्यूटिव के बाद ही 2 साल की ट्रेनिंग मैंडेटरी हो जाए, जिसका प्रपोजल रखा भी गया है। हालांकि अभी तो सिस्टम ये है ना कि फाउंडेशन क्लियर करने के बाद 3 साल की, एग्जीक्यूटिव के बाद 2 साल की, बनने के बाद 1 साल की, वो सबसे बेकार ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है। बच्चा सारा क्या हो गया, 12 महीने में क्या सीख लोगे तुम। बच्चा क्या होता है कि बनने के बाद सोचता है 1 साल की करूंगा, इस चक्कर में वो ट्रेनिंग करता ही नहीं है और पास वो होता नहीं है, वो लटक ही जाता है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा जरूरी है, एग्जीक्यूटिव के बाद ही बच्चे को ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो इसीलिए प्लान अभी ICS से पीछे प्रपोजल रखा था, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी से पूछा गया था, तो सबने यही प्रपोजल रखा है कि एग्जीक्यूटिव के बाद ही ट्रेनिंग मैंडेटरी कर दी जाए, फाइनल के बाद वाला ऑप्शन ना दिया जाए। जो और ये जरूरी भी है, CA में भी तो सेम यही होता है, हमारा इंस्टीट्यूट ने ये कैसा करा कि कर दिया। चलो एनीवेज, अब मैं बात करूँ आप लोगों से कि सर, प्रैक्टिस बढ़िया है या जॉब बढ़िया है। तो सर, मैं आप लोगों सच्चाई बोलूँ तो सर, देना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं आपको दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड कर लेना आपको क्या करना है। मैं पहले बात करूँ अगर आपसे जॉब की, तो सर अगर आपको कंपनी में ही जॉब करनी है, तो सर मेरा पहला सजेशन ये रहेगा, आप ट्रेनिंग भी कंपनी से ही करना। जो जनरली लोग कहते हैं ना कंपनी से ट्रेनिंग करोगे तो कंपनी में जॉब लगेगी, फर्म से ट्रेनिंग करोगे तो फर्म में जॉब लगेगी, ऐसा नहीं है। बस वो क्यों कहा जाता है कि कंपनी से ट्रेनिंग करोगे तो कंपनी में जाने का फायदा होता है, बस ये फायदा होता है कि एक्चुअली क्या होता है, कंपनी का वर्क एक्सपोजर एंड फर्म का वर्क एक्सपोजर टोटली डिफरेंट है। मैं बात करता हूँ, अगर आप कंपनी के अंदर जाएंगे तो कंपनी में बेसिकली आप एक टोटल डिवीजन संभालेंगे, एक छोटा डिवीजन होगा, अगर छोटी, हाँ वो अलग बात है, अगर छोटी प्राइवेट कंपनी होगी या एक छोटी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होगी तो उसके अंदर क्या होगा, आप सारे काम खुद संभालेंगे, मिनट्स, नोटिसेज, एजेंडा, सब कुछ मीटिंग के कंपनी खुद बनाएंगे, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर रिमूवल, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर का रिमूवल, और कंपनी की अगर कोई छोटी छोटी ग्रुप कंपनीज हैं तो उसका छोटा मोटा काम भी आप ही संभालेंगे। ये बात है अगर छोटी कंपनीज की अगर आप जाते हैं, लेकिन अगर आप बड़ी कंपनी में जाते हैं तो आपको एक डिवीजन मिलेगा, वहाँ पे एक CS नहीं होगा, वहाँ पे कम से कम 10-12-15 CS होंगे जो ऊपर 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 सारा अपर लेवल वाला कंसल्टेंसी वाला काम वो करेंगे, नीचे नीचे लेवल वाला काम आप करेंगे। अगर मैं बात करूं आपसे कंपनी की, तो कंपनी में आज के डेट के अंदर जो लोग सोचते हैं कि हम लोग सिर्फ कंपनी की कंसल्टेंसी करते हैं, हमारे पास GST का रास्ता नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। GST के अंदर हमारे पास सिर्फ ऑडिट नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन हम GST की कंसल्टेंसी कर सकते हैं। सेम इनकम टैक्स हमारे पास ऑडिट, लेकिन हम इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी कर सकते हैं। एंड देयर आर मेनी CS, मेरे 2-4 फ्रेंड हैं, मैं आपको मिलवाऊंगा लाइव में कभी आप कहेंगे तो, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं GST एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न कर रहे हैं एज कम्पेयर टू कंपनी लोग। क्या है कि हमारे इंडिया के अंदर टोटल के अंदर अभी तक अराउंड 56,000 कंपनी सेक्रेटरी है। 56,000 में से मतलब ये मान लो कि 8-10,000 शायद अब होंगे नहीं इंडिया में, इंडिया में क्या मतलब दुनिया में नहीं होंगे, जब से बने तब से हैं तो, और बाकी जो बचे कुछ हैं उसके अंदर से 10-12,000 ऐसे भी होंगे जो डुअल डिग्री होल्डर होंगे, CA+CS होंगे, तो उसके अंदर वो अलग फील्ड की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जो रिमेनिंग है उसके अंदर से 20,000 के आसपास तो प्रैक्टिस में है और रिमेनिंग एम्प्लॉयमेंट में है, और जितने प्रैक्टिस और एम्प्लॉयमेंट में उसमें से 80% लोग कंपनी लॉ में ही डील कर रहे हैं। इसी चक्कर के अंदर फिर वो लोग बाहर जाते हैं और बोलते हैं कि हमारी मार्केट में वैल्यू कम हो रही है। अरे भाई, जब एक फील्ड को करने वाले 50 लोग बैठे हैं तो तुम्हारे को वैल्यू कहाँ से मिलेगी, कुछ हटके करो। आप लोगों को इतने सारे लॉस पढ़ाए जाते हैं, फेमा लॉ पढ़ाया जाता है, IPR में ट्रेडमार्क कॉपीराइट पेटेंट पढ़ाया जाता है, आपको FSSAI वाला पढ़ाया जाता है, आपको GST पढ़ाया जाता है, आपको इनकम टैक्स पढ़ाया जाता है, आपको कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, कैपिटल कमोडिटी मार्केट पढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चे को प्रैक्टिस सिर्फ किस में करनी, कंप्यूटर में, वही तो गलत है। आपको सिक्योरिटी लॉ के अंदर इतना स्कोप है, जो मर्चेंट बैंकिंग की लाइन के अंदर अगर लोग चले जाए तो इतना स्कोप है मर्चेंट बैंकिंग का। आप लोगों ने जब टेक ओवर चैप्टर पढ़ा होगा सिक्योरिटी लॉ के अंदर, आप लोगों ने ICDR रेगुलेशंस पढ़ा होगा, पब्लिक इशू पढ़ा होगा, तो इन सबको जो लाने के लिए सारा रोल मर्चेंट बैंकर का होता है।
अगर आप इस लाइन के अंदर चले जाएं तो इतना स्कोप है, मेरे दोस्त हैं जो मर्चेंट बैंकिंग लाइन में बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे अगर ये तो बात करी हमने मर्चेंट बैंकिंग लाइन के अंदर बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि सर मैं खुद, मैं तो प्रैक्टिस में हूं, मैं प्रैक्टिस में जैसे मैं तुम्हारे को बताना चाह रहा हूं, सिर्फ कि लोग जो सीएस खाली कंप्यूटर पर डाइवर्ट हो जाते हैं कि खाली हम कंप्यूटर करेंगे, मैं कंपनी लोगों का काम सारा करता हूं, एनुअल फाइलिंग आपका, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, कंपनी डिसोल्यूशन, मर्जर्स मैंने अपने हाथ से करे हैं सब, स्ट्राइकिंग ऑफ, उसके अलावा डायरेक्टर अपॉइंटमेंट रिमूवल, ऑडिटर अपॉइंटमेंट रिमूवल, मतलब डे टू डे, मतलब रूटीन वर्क से लेकर एजीएम कंडक्ट कराना हमने सारे काम करे हैं। अच्छा, स्क्रूटनाइज, ई वोटिंग, सब कुछ कंपनी लोगों का तो काम करते ही हैं। इसके अलावा मैं आईपीआर का सारा काम करता हूं, मैं पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क का पूरा काम करता हूं, इसके अलावा मैं जीएसटी का काम भी करता हूं, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं खुद तो मैं एलएलपी का काम भी करता हूं, इसके अलावा मैं पार्टनरशिप फॉर्म, जो नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म होती है वो करवाता हूं, इसके अलावा एफएसएससीआई के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, जो फूड वाला है, फूड सिक्योरिटी के लिए जाते हैं, मैं वो भी दिलवाता हूं। मतलब मैं ए टू जेड ऑलमोस्ट जितने काम हो सकते हैं मैं अपनी प्रैक्टिस फॉर्म के अंदर करता हूं। ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस के अंदर कोई लिमिट नहीं है, प्रैक्टिस के अंदर बस परेशानी है कि अकेले काम मैनेजेबल नहीं होता तो आपको बंदे आगे रखने पड़ेंगे और आपको क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा जरूरी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में अगर मैं फ़ायदा बताऊं तो एम्प्लॉयमेंट में फ़ायदा है कि आपको फ्रॉम द डे वन सैलरी मिलती है, फ्रॉम द डे वन सैलरी मिलती है। अब फ्रॉम द डे वन सैलरी मिलती है तो बंदा बड़ा खुश हो जाता है कि यार चल ठीक है, सीएस बन गए, फ्रॉम द डे वन सैलरी मिल रही है और सब कुछ अच्छा है। लेकिन एक चीज़ देखो, सारी जिंदगी इतने में ही रह जाओगे। पहले 30-40 हज़ार से स्टार्टिंग लगती है, 30 से मतलब मार्केट जो आजकल इंडस्ट्री का रेट है स्टैंडर्ड है वो 25-30 हज़ार के बीच में स्टार्टिंग लगेगी। देन उसके बाद करते कराते 2-4-5 साल के अंदर 1-1.5 लाख पे आओगे, करते करते जब तक रिटायरमेंट होगी 3-4 लाख 5 लाख रुपये सैलरी, 3 लाख रुपये के आसपास जो रिटायरमेंट आ जाती है जब आपकी महीने की सैलरी होती है। वो कुछ एक्सेप्शन हैं जो आर अर्निंग इन करोड़, ऐसे सी एस हैं जो अर्निंग करोड़ में कर रहे हैं और नो डाउट अगर भगवान ने चाहा तो मेहनत सारा खेल नॉलेज का है, आप भी पहुँच सकते हैं एम्प्लॉयमेंट में ऐसे हैं, लेकिन कितने हैं गिने चुने ही हैं। अच्छा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का फ़ायदा मैंने आपको बताया कि हाँ, लेकिन सैलरी फ्रॉम द डे वन मिलेगी, सिक्योरिटी है लाइफ के अंदर, टेंशन कोई नहीं है, डे बाय डे ग्रो तो होते ही चले जाओगे, इंडस्ट्री मूव कर सकते हो, जिंदगी एंजॉय कर सकते हो, सैटरडे संडे ऑफ होता है और मतलब सैटरडे संडे तो 80% इंडस्ट्री में तो होता ही है, लेकिन जिनने मतलब जो अच्छी कंपनीज हैं जिनमें सीएस काम करते हैं लिस्टेड कंपनीज वगैरह में, लेकिन हाँ भी ये तो संडे तो है, कम से कम एक छुट्टी तो है। ये तो कंपनी का था, लेकिन इसमें भाई कंपनी के अंदर सुनना भी पड़ेगा बॉस की, सब कुछ जो वो बोलेगा वो करना पड़ेगा, एक छुट्टी भी लेनी पड़ेगी ना, तो बेटे रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी आप लोगों को उसके लिए कि नहीं छुट्टी लेनी है हम लोगों को। अगर अब मैं बात करूं आप लोगों से फर्म की, तो फर्म के अंदर क्या है कि फर्म के अंदर आप लोगों को जो है मेहनत जो है, तो अब मैं बात कर रहा था फर्म की, तो फर्म के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो फर्म के अंदर हमारे पास कहते हैं मतलब कहते हैं स्कोप बहुत है फर्म के अंदर, लेकिन फर्म के अंदर परेशानी ये है कि फर्म के अंदर हमारे पास क्लाइंट का सारा खेल है, लिंकिंग का सारा खेल है, हमारे पास लिंक्स कितने हैं, अगर लिंक्स अच्छे होंगे तो हमारी फर्म सर्वाइव हो पाएगी वरना नहीं हो पाएगी। क्या होता है कि इनिशियली कंपनी के अंदर तो क्या होता है, फ्रॉम द जाते ही आपको फ्रॉम द डे वन 30,000, 25,000, 35,000 की सैलरी मिलती है तो आपका घर चलना शुरू हो जाता है, उसके बाद आप भी खुश, घर वाले भी खुश कि लड़का हमारा बच्चा पढ़ लिख के सेट हो गया। लेकिन फर्म के अंदर क्या परेशानी है कि अगर आप पे क्लाइंट बेस नहीं है या अगर आपके पेरेंट्स वगैरह इस लाइन में तो वेल एंड गुड है, तो आपको बस बना बनाया क्लाइंट बेस मिल जाएगा, आपको वही संभालना है। लेकिन अगर आपका वो नहीं है तो आपको इनिशियली हो सकता है पहले महीने 3-4 हज़ार रुपये निकले, मैंने अपनी फर्म से पहले मैंने खाली 2,500 रुपये निकाले थे, तो हो सकता है धीरे धीरे निकले, लेकिन एक बार अगर आपका काम चलना शुरू हो गया, धीरे धीरे सारा लिंक्स खेल है आपके पास काम आना शुरू हो गया तो, और आपके क्लाइंट बेस सेट हो गया तो आप गिनते गिनते थक जाएंगे, आपसे पैसा संभलेगा भी नहीं। और अपने मालिक हैं, सुबह 11 बजे जाओ, 12 बजे जाओ, शाम को 7 बजे निकलो, 6 बजे निकलो, सब आपके ऊपर है, जब काम खत्म हो तब निकल जाओ। कंपनी की तरह नहीं है, सुबह 10 बजे गए रात को 8 बजे तक बैठे ही हुए हैं और वहाँ पे वो जाने ही नहीं देंगे 7 बजे तक उसके बाद, और उसके बाद वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाता है जी, बैठ के घर पे भी करो, ऐसा नहीं है। लेकिन आपका फर्म चलेगी तभी, आज के में क्या होता है क्लाइंट आपके पास, आप खाली कंप्यूटर में डील करते हैं, क्लाइंट आपके पास आया जी कंपनी बनवानी है, आपने कहा ठीक है बना देंगे, अब कंपनी बना दी, वो कहता है आगे का काम सर जीएसटी वगैरह, सर वो हम नहीं करते, वो तो सीए करता है, भेज दो भाई वहाँ पे, आपका काम खत्म हो जाएगा, इजीली से पिक्चर खत्म हो जाएगी। इसीलिए फिर उनको फील होने लग जाता है कि सीएस वालों को कंप्यूटर के अलावा कुछ नहीं आता। अब मेरे पास क्लाइंट आता है, वो कहता है सर कंपनी बनवानी है, हम कहते हैं बनवा देंगे, वो कहता है सर जीएसटी करवाना है, हमने कहा वो भी करवा देंगे, वो कहता है सर ट्रेडमार्क लेना है, वो भी करवा देंगे, वो कहता है सर हमारा खाने पीने का, मैं फूड रजिस्ट्रेशन लेना है, मैंने कहा भाई वो भी दिलवा देंगे। उसके बाद कंपनी तुम्हारी बनने के बाद एनुअल कंप्लाइंस चलाने की सारी कॉस्ट है वो भी हम ही कर देंगे। आज के टाइम में क्लाइंट से दर्दी नहीं लेना चाहता, हम ऐसे मतलब एक ही छत के अंदर सारे सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए जो क्लाइंट है वो खुश रहता है। अच्छा, मैं कहता हूँ अगर आप लोगों को खुद नहीं आता है काम या आप इस फील्ड में नहीं जाना चाहते तो कोई परेशानी है, क्योंकि आजकल में स्पेशलाइजेशन का जमाना है,
तो कुछ लोग ऐसा होते हैं, मैं मान के चलता हूँ कि कुछ लोग ऐसा चाहते होंगे कि हम एक ही फील्ड में स्पेशलाइजेशन रखें, रखो क्या परेशानी है। उस केस के अंदर आप अलग अलग सी ए वालों से या जो सी एस सी ए इनमें इस लाइन के अंदर हैं अलग अलग फील्ड्स के अंदर उनसे टाई अप कर लो, काम सारा उठा लो, क्लाइंट को मत बोलो, वापस कभी मत भेजो, काम उठा के आप आगे अपना काम रेफर कर दो, बीच में उनसे ये सी एस से बात कर लो और उनसे रेफर करवा के अपनी कमीशन रख लो, जो करना है आपको कर लो, वैसे अपना काम सेट कर लो, लेकिन क्लाइंट को वापस मत भेजो। अगर हम आपसे बात करूं मैं आप लोगों से, है ना, तो अगर अब मैं आप लोगों से बात करूं तो उस केस के अंदर अपने से एक चीज ध्यान रखना कि सर प्रैक्टिस में अर्निंग फ्रॉम द डे वन नहीं मिलती, लेकिन मौज है, सुबह का खिलता हुआ सूरज और शाम को ढलता हुआ सूरज देख पाओगे। जॉब के अंदर सुबह जाने का पता, आने का कुछ नहीं पता, बड़ा फाउंडेशन है, लेकिन ये कि जॉब में फ्रॉम द डे वन सैलरी मिलती है, छुट्टी है, एंजॉय कर सकते हो। फर्म के अंदर ये है कि काम एक बार स्टार्टिंग में इनिशियल डेज में स्ट्रगल है, सातों दिन काम करना पड़ सकता है, बाद में धीरे धीरे एक बार काम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन इनिशियली स्टार्टिंग में बड़ी स्ट्रगल है। तो बड़ा ध्यान रखना, इनिशियली स्टार्टिंग में परेशानी हो जाती है फर्म के अंदर, तो दिल छोटा नहीं करना, अपना नाम बनाने में हमेशा टाइम लगता है। तो जिन लोगों का, इसलिए मैं हर किसी को फर्म रेकमेंड इसलिए नहीं करता, कईयों की फैमिली कंडीशंस अच्छी नहीं होती, वो बेचारे आते हैं इसलिए कि फर्म डे वन, उनके घर वाले उम्मीद कर रहे हैं कि वो बनेंगे तो सेट होंगे तो घर में कुछ देंगे। तो अगर वो कुछ देंगे और घर वाले ऐसी उम्मीद कर रहे हैं तो भाई आप, मैं फ्रॉम द डे वन में पहले बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही आप जॉब के अंदर जाना, प्रैक्टिस में इनिशियली मत आना। जब 5-7 साल 10 साल कुछ अच्छा जुड़ जाए उसके बाद अगर कुछ सोचना हो तो बाद में अच्छे लिंक्स बन जाए इंडस्ट्री में तो सोचना, अदरवाइज स्टार्टिंग में मत सोचना, आप जॉब में जाना। प्रैक्टिस उन लोगों के लिए बेटर है, मैं अगर जो लोग पहले का किसी की सुन नहीं सकते, अपना ही करना चाहते, मेरे ऐसे लोग जैसे मैं किसी की सुन नहीं सकता था तो मेरे को पता था कम कमाऊंगा, लेकिन अपना कमाऊंगा, फैमिली बैकग्राउंड ठीक था तो परेशानी थी नहीं। तो जिन लोगों को ऐसे ले जाना था वो फर्म के अंदर जाएं, फर्म से बेटर ऑप्शन कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को नहीं, हम तो क्लास मेंटेन करना, जॉब में जाना है तो भाई जॉब में जाओ, दोनों चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन मैंने आपको बताया है कि प्रैक्टिस के फ़ायदे क्या है, कि आप अपने मर्जी के मालिक हैं, अपने हिसाब से काम करेंगे और ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है, ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज है, ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। मतलब आप काम उठाते जाओ, काम करते जाओ, आगे आपका काम बढ़ जाता है, ट्रेनिंग नीचे रख लो, क्वालिफाइड सीएस टीम बना लो साथ में, बहुत कुछ कर लो, बढ़ते चले जाओगे। लेकिन आपको ना माइंडसेट पहले ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कंपनी में ट्रेनिंग करोगे तो कंपनी का काम डिफरेंट है, फर्म वालों का काम डिफरेंट है। फर्म के अंदर काम बड़ा वर्सेटाइल नेचर का आता है, कंपनी में एक लिमिटेड नेचर का आता है। तो फर्म से अगर आपने काम करा तो आपको कल को कंपनी में जाना आसान है। हालांकि तुम लोगों ने सुना होगा कि लोग बोलते हैं जो फर्म में ट्रेनिंग कर लेते हैं कंपनी में जॉब लगती है, ऐसा कुछ नहीं है, बथेरे लोग हैं मेरे दोस्त जो फर्म से ट्रेनिंग करके आज वेल लिस्टेड कंपनी के अंदर, वेल रैप्टेड लिस्टेड कंपनी के अंदर सेट है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी ट्रेनिंग करो कहीं पर भी सेट हो जाओगे, कंपनी वाले फर्म में चले आते हैं, फर्म वाले कंपनी में चले आते हैं। लेकिन एक चीज है कि कंपनी के अंदर से कंपनी में जाना आसान इसलिए रहता है कि उनको कंपनी के वर्किंग एनवायरनमेंट पता होता है, इसलिए थोड़ा सा उनको कंपनी में प्रेफरेंस दी जाती है, अदरवाइज फर्म वाले भी रखे जा सकते हैं, फर्म वालों को भी कंपनी में जॉब मिलती है। ऐसा कुछ नहीं कि जिन्होंने फर्म से ट्रेनिंग करी उनको कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। हालांकि मेरा मानना है कि फर्म वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा बढ़िया होती हैं, कि मार्केट में सपोज अगर जॉब कम है या आपकी जॉब वगैरह टाइम पर नहीं मिल रही तो अपने फर्म में काम करो, तो आप अपना काम उठाना शुरू कर सकते हो, आप फर्म में भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, फर्म वाले कंपनी वालों को प्रेफरेंस नहीं देते, फर्म वालों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, कंपनी वाले तो एक बार फिर पीसीएस फर्म वालों को रख लेते हैं, लेकिन फर्म वाले कंपनी वालों को आसानी से नहीं रखते। तो फर्म से अगर आप ट्रेनिंग करोगे एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा, नॉलेज ज्यादा मिलेगी, समझ आ जाएगा रास्ते खुल जाएंगे किस तरफ जाना है। और आज के टाइम तो एनसीएलटी की लाइन है, आईबीसी का इतना बड़ा स्कोप है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड का, लिटिगेशन का, एनसीएलटी का इतना बड़ा स्कोप है, और आप लोग एनसीएलटी में जाओ उससे बहुत ज्यादा तगड़ी लाइन, बहुत ज्यादा रेमुनरेटिव लाइन तो कोई लाइन आज के डेट के अंदर है ही नहीं। आपको अच्छी अच्छी मगर साथ में उसके लिए एलएलबी जरूर कर लेना साथ साथ। मैं एलएलबी में बार बार बोल रहा हूँ, एलएलबी में इसलिए करने को नहीं बोल रहा कि एलएलबी करोगे तो कोर्ट में प्रेजेंट हो जाओगे, वो ऐसा कुछ नहीं है जी। जब बड़ी क्या जनरली क्या है, आईबीसी की प्रैक्टिस जनरली बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स कर रहे हैं, लाइक वैश एसोसिएट, समरचंद मंगलदास, ये सब कर रही हैं। इन फर्म्स के अंदर जनरली एलएलबी कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि एनसीएलटी के अंदर सारा ड्राफ्टिंग वगैरह का काम है, हमारी ड्राफ्टिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तो वो ड्राफ्टिंग वगैरह का काम कैसे करा जाएगा, कैसे और लीगल नॉलेज ओवर भी होनी चाहिए आपको अदर देन कंपनी लॉ, तो सब एलएलबी में सिखाई जाती हैं। और एलएलबी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करोगे तो फायदा आपको जरूर मिलेगा। तो ये फर्म और जॉब का बहुत बड़ा एक कॉम्बिनेशन था, मतलब फर्म वर्सेस जॉब का, कि जॉब के अंदर मैंने अब आपको फटाफट से अगर बात करें तो प्रॉस क्या है जॉब के, फ्रॉम द डे वन सैलरी मिलेगी, उसके अलावा छुट्टियां मिलेंगी, उसके अलावा लाइफ की सिक्योरिटी है थोड़ी सी। कॉन्स क्या है उसके, कि सर लोगों बॉस की सुननी पड़ेगी, आने जाने का कोई टाइम नहीं है, उसके अलावा बॉस कभी भी लात मार सकता है, उसके अलावा ग्रोथ लिमिटेड है, सुबह का सूरज
और शाम सुबह खिलता सूरज शाम को डूबता सूरज नहीं देख पाओगे। अगर अब मैं फर्म की बात करूं, ये तो था कंपनी की बात जो मैंने अभी करी। अब अगर हम कंपनी की बात फर्म की बात करें, ये तो कंपनी की बात थी। फर्म के अंदर क्या होता है, आपका इनसिक्योरिटी स्टार्टिंग में थोड़ी ज़्यादा है जब तक क्लाइंट नहीं है, फ्रॉम द डे वन सैलरी नहीं मिलती। लेकिन अगर एक बार आपको काम मिलना शुरू हो गया और आपका क्लाइंट बेस अच्छा बन गया, लिंक्स अच्छे हैं, तो ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रोथ के अंदर। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ खाली कंपनी लो तक सीमित रहिए ना, सी एस डजंट मीन कंपनी लो, सी एस मीन्स ओवरऑल लॉ एक्सपर्ट। आपको ओवरऑल लॉ एक्सपर्ट बनना है कॉर्पोरेट लॉस का, तो आपके लिए ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है, देर आर मैनी पी सी एस हु आर अर्निंग इन करोड्स। ऐसे ऐसे पी सी एस जानता हूँ, नाम नहीं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, एक एक साल के 20-20 करोड़ रुपये कमा रहे हैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, ऐसे पी सी एस हैं। लेकिन उनके जाने तक टाइम लगता है, मेहनत लगती है, पेशेंस चाहिए फर्म के अंदर। तो जिन लोगों का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो और मैनेज कर सकते हो, घर वाले पैसे की इतनी उम्मीद नहीं कर रहे हैं, तो आप फर्म में ही जाएं। और अदरवाइज जॉब अपॉर्चुनिटी भी अच्छी हैं, लर्निंग भी बहुत है, सब कुछ है, किसी की गुलामी नहीं है, अपने हिसाब से करो। स्पेशली फॉर वुमेन, आफ्टर मैरिज मैनेज करना मुश्किल होता है, तो अपनी फर्म होगी तो सुबह 11 बजे जाओ, 12 बजे जाओ, शाम को 4-5-6 बजे जब आना है आ जाओ, नीचे ट्रेनिंग रख लो, बड़ा कुछ रख लो, काम मैनेज हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये फर्म और कंपनी का कॉम्बिनेशन समझ आया होगा कैसे आना है। तो ट्रेनिंग के हिसाब से मैं सीधा इसलिए बोला जाता है कि फर्म में जिनको जाना है वो फर्म में ट्रेनिंग करें, आगे फर्म खोलनी है तो, और कंपनी में है तो कंपनी में ट्रेनिंग करें। लेकिन फर्म में एक्सपोजर ज़्यादा है, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। और फिर कंपनी के लिए मैंने आपको बताया, कुछ लोगों को कंपनी के अंदर तो दोनों अपनी जगह मेंटेन है, कंपनी के अपने प्रोज हैं और फर्म के अपने प्रोज हैं, दोनों के कुछ कॉन्स भी हैं, वो मैंने आपसे डिस्कस करे। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के शेयर कीजिएगा जो लोग सी एस की लाइन के अंदर हैं, इस सी एस फील्ड के अंदर हैं, ताकि उन लोगों को समझ आए आगे उन्होंने डिसीजन किस हिसाब से लेना है। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।